भगवान महाकालेश्वर का यह प्रोग्राम एक अलौकिक प्रोग्राम है। जिस प्रकार अपने यहाँ शादी होती है, उस प्रकार हम लोग भगवान उमा महेश्वरी की शादी का यह प्रोग्राम मनाते हैं। महाशिवरात्रि तो संपन्न हुई, उसके पश्चात जो शिव प्रदोष आता है उसमें यह उत्सव मनाते हैं। यह उमा महेश्वर की शादी का वर्षगांठ हम लोग मनाते हैं, उसमें जिस प्रकार अपने यहाँ बारात आती है, बराती का स्वागत करते हैं, माला पिला के बराती का स्वागत करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, शिकंजी पिलाते हैं, भगवान को भगवान के स्वरूप में जो भी आए हैं वो बारात के रूप में जो बारात में आए हैं उनका हम लोग प्रेम से स्वागत करते हैं और करवाते हैं। उमा महेश्वर की जितनी भी विख्यात करो, जितनी भी वर्णन करो, वो भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद कम है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयो प्रभो कृतना निद्रा समाधि संचार प्रदेव प्रदक्षिण विदे स्त्रोत्राणी सर्वांगिरो यद्यत कर्म करो मित्रम शंभो दवाराजनम। उमा महेश्वर का जितना भी वर्णन करो, माँ सरस्वती भी उनके वर्णन को कर करके थक गई है। उमा महेश्वर की शादी एक अलौकिक शादी के रूप में मनाते हैं। चारों तरफ भक्तजन नजर आ रहे हैं, बूढ़े जवान महिलाएं अपना अपने हिसाब से सब एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बारात आई है, बारात में वृद्ध लोग भी आए हैं, जवान भी आए हैं, बूढ़े लूले रंगड़े भी आए हैं, भूत प्रेत की मंडली आई है, उनका सभी का स्वागत हो रहा है। और जो भी स्वागत कर रहा है, जिनका स्वागत हो रहा है, एक अलौकिक स्वागत है। आत्मा प्रसन्न हो रही है। यहाँ पर उनके उनके भोजन के लिए, भंडारे के लिए, भक्तों के भंडारे के लिए हजारों दर्शनार्थी आए हैं, पूजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। उमा महेश्वर का पूजन भी हो रहा है, भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हजारों किलो प्रसाद भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद से यह बना हुआ है। जो भी भक्त प्रसाद दे रहे हैं अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम में जितने लोगों ने भी सहयोग दिया है, पुलिस प्रशासन ने, मीडिया ने, आगंतुक लोगों ने, जो भी भगवान प्रसाद दे रहे हैं अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। ये अलौकिक उज्जैन में ही ये अलौकिक प्रोग्राम होता है। बाकी यहाँ से देखे देखे ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इंदौर में भी प्रोग्राम शुरू हुआ है, रतलाम में भी पूरा शुक्र प्रोग्राम है, और यह बम्बई तक, दिल्ली तक की यह खबर है कि सभी दूर इसमें का प्रोग्राम चालू हो गया है महाकाल के आशीर्वाद से। सभी भक्तों को शिव उमा महेश्वर की विवाह का आशीर्वाद। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। भूत भवन भगवान महाकालेश्वर त्रिलोकीनाथ सबके मनोकामना परिपूर्ण करने वाले हैं। आज क्षीर सागर में, रुद्र सागर में एक भव्य आयोजन पिछले 20 वर्षों से महाकाल भक्त मंडल, महाकाल शरणार्थी भक्त मंडल द्वारा यह आयोजित किया जाता है। हजारों लोग यहाँ पे भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। इस कार्य को आज 21वां साल हो गया है। आज प्रातः काल से ही यहाँ पर 250 हलवाई इस रिसेप्शन में भगवान महाकालेश की महाप्रसादी का भोग बना रहे। पब्लिक की, लोक की और भक्तों की मनोकामना के लिए जो भी कार्य है, जो भी सामान है, वो यहाँ लाके ये दे जाते हैं। हम किसी से कोई चंदा नहीं करते, न चंदा होता है। वो चंदा होने के बाद भी जो इच्छा हो वो आदमी कर सकता है। इस भव्य आयोजन में भगवान महाकालेश्वर, माँ पार्वती परिवार सहित पधारते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। आज के दिन महाप्रदोष है, शनि प्रदोष है, शनि प्रदोष का बड़ा महत्व होता है। आज भगवान कैलाश से वहाँ आते हैं और भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। महाकालेश्वर की ये परंपरा आज हमारे बीच में हजारों लोग जो सुबह से देश और विदेश से आए हुए प्रसाद लेंगे, वो प्रसाद शुरू हो गया है। हजारों लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज भूतों की एक बारात, विशेषकर यहाँ पे जो नगरकोट की महारानी है वहाँ से निकलती है, उसमें प्रसाद, भूत, डाकिनी, शाकिनी सब प्रकार के लोग यहाँ पे उसमें रहते हैं। कोई रेंगते हुए आता है, कोई गाजे बजाता हुआ आता है, कोई भगवान का झांझ मंजीरे बता होता है, कोई डमरू बजाते हुए आता है। इस प्रकार से 16 बैंडों से और घोड़े से, हाथी से, बग्गी से,
और अनेक प्रकार के ऊँटों से ये बारात सजी हुई आती है। इसका भव्य आयोजन यहाँ पे होता है। यह बारात 12 बजे शुरू होती है और 6 बजे यह समाप्त हो जाती है। भगवान महाकालेश्वर की यहाँ पे लग्न होता है, उस लग्न में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। दिनेश पुजारी जी, महेन कटियार और अन्य लोग यहाँ पे आगे भगवान का भक्तों का समस्त कार्य सिद्ध करते हैं और हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में 81 पकवान बने हुए हैं, 56 भोग बना हुआ है, 5 प्रकार की मिठाई बनी हुई है, 5 रिसेप्शन, ये वो जितना भी बाहर रिसेप्शन में होता है, सब महाकाल भक्तमंडल शेरारती भक्तमंडल की तरफ से यहाँ पे आयोजन रहा है। इस विशेष आयोजन में आप मीडिया, देश विदेश से आए हुए समाचार पत्र सब यहाँ पे सहयोग प्रदान करते हैं और सब यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल।